नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा खड़ा, मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। आए दिन जिस भाषा का इस्तेमाल नेताओं, मजहब और जाति के ठेकेदारों के जरिए होता है, वो वाकई में लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए भी कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी कहने सुनने छूट मिलने की वजह से इसके गलत इस्तेमाल की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है, जो लोकतंत्र और सामाजिक हित में कतई नहीं है। भारतीय समाज का जिन तमाम विशेषताओं, मूल्यों और व्यवहारों से दुनिया भर में लोग इसकी इज्जत किया करते थे, वही मूल्य और व्यवहार हमारे जीवन और व्यवहार से दूर होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब चर्चाओं में है, जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर एक कॉमेडियन वीरदास ने देश के खिलाफ की है अभद्र टिप्पणी, जिसे लेकर राजनीति भी होने लगी है। कुछ लोग कॉमेडियन वीरदास के खिलाफ है तो कुछ लोग उनके समर्थन में आ गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आपको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को धूमिल करने की आजादी मिल जाती है? यह आजादी किसने दी? हास्य कला के नाम पर आप देश विरोधी बातें करने की इजाजत आपको किसने दी? आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। और भी बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े होते हुए, मसलन अभिव्यक्ति की आजादी की क्यों टूटी मर्यादा? मर्यादा होती है हर चीज की, आखिरकार अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या कुछ भी कह देंगे? क्या वीरदास ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मिल की है भारत की छवि? महत्वपूर्ण सवाल। हास्य कलाकार वीरदास ने क्यों की देश विरोधी बातें? राष्ट्र का सम्मान आखिरकार क्यों भूले हास्य कलाकार वीरदास? राष्ट्र का सम्मान सर्वोपरि होता है, ठीक है। अगर आप कुछ मुद्दों को लेकर कटाक्ष करना चाहते हैं, तंज कसना चाहते हैं, कसी अपनी कविता में उसे पेश कीजिए, लेकिन राष्ट्र के सम्मान को ठेस इस बात की कतई इजाजत नहीं दी जा सकती। क्या वीर ने की भारत को बदनाम करने की कोशिश? हंसी मजाक क्योंकि अभद्र टिप्पणी? समाज के अपवादों को भारत की तस्वीर क्यों दिखाई? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है, उस पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी नेता अश्विनी शाही जी जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस नेता विजय कौशिक जुड़े हुए, बहुत स्वागत है आपका भी। राजनीतिक विशेषक के तौर पर राहुल लाल हमारे साथ मौजूद है, आपके बहुत स्वागत करती हूँ। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर विवेक सिंह हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। और मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल भी इस समय हमारे साथ मौजूद है, एक्टर भी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुनील पाल जी मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी। वीरदास ने जिस तरह से ये बयान दिया, ये कविता पेश की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, क्या वाकई में भारत की छवि को धूमिल करने का उनका ये प्रयास? आप इस कविता को किस तरह से देख रहे हैं और क्या आपको भी आपत्ति है उनके कुछ शब्दों पर, उनके कुछ वाक्यों पर? हेलो जी, सुनील जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल आपत्ति है, क्योंकि ये मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है। ठीक है सर, मैं पीसीआर से बोलती हूँ, आई मेक इट करेक्ट, यू प्लीज कंटिन्यू। तो मैंने ये अर्ज किया है कि मुझे आपत्ति है क्योंकि इंडिया की के प्रॉब्लम्स को बाहर के मुल्कों में या बाहर के लोगों में, भले वो एनआरआईज हैं, अपने ही लोग हैं जी, बट धरती पर जहाँ पर ऑलरेडी या किसी भी देश में अपने अपने प्रॉब्लम्स तो होते ही है, वहाँ पर भी सब कुछ अच्छा नहीं है। तो एक ऐसे शो में जो आई ऑलरेडी पेड शो है, ऑलरेडी टिकट शो है, आप वहाँ पर हंसाने के लिए गए हैं, लोगों को टेंशन कम करने गए हैं, अपना बिजनेस करने गए हैं, अपना नाम बढ़ाने गए, और उस वजह से गए, जिस वजह से आपको इंडिया में पहचान मिली है, जिस इंडिया ने आपको स्टार बनाया, जिस इंडिया को आपने, जिस इंडिया में रहकर आपको फिल्म स्टार बनाया, आप उस वजह से ही आपको वहां बुलाया जा रहा है। तो ऐसे जगह पर जाकर इंडिया के बारे में, मुझे लगता है कि मनोज कुमार साहब की तरह उनको गाना गाना चाहिए था कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत के गीत सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं बात वहीं की करता हूँ, ये उनको कहना चाहिए था। बनिस्पत इसके कि आप बाहर जाके, मतलब अपने घर के प्रॉब्लम आप पड़ोसी को से डिस्कस करोगे तो कहाँ से सॉल्व होगा, क्योंकि पड़ोसी के अपने खुद के प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि तालियां बजवाने के लिए ये देशभक्ति का झूठा नाटक करना,
या परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस छोड़कर कि परफॉर्मेंस में दम नहीं था, तालियां नहीं बज रही थी, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो किसी की लिखी हुई कविता जब आदमी पढ़ता है तो समझ में आता है कि वो उनकी बाय हार्ट की हुई नहीं थी, कहीं से उन्होंने लिखवाई थी या किसी ने लिख कर दी होगी, क्योंकि सटायर करने वाला आदमी या कुछ दिल से बात कहने वाला आदमी इतना लिखा हुआ पेपर और चार लाइनें जो है वो याद करके नहीं बोलता। तो मुझे लगता कि ये प्योर मतलब व्यापार है अपनी तालियां बजवाने के लिए, अपने अपने को फेमस करने के लिए। मैं कह सकता हूँ कि इंडिया में वीर बनोगे और बाहर दास बनोगे तो ऐसे काम नहीं होगा वीरदास। ऐसे में सुनील जी, क्या वाकई में अभिव्यक्ति की आजादी ही और इसकी जो एक सीमा होती है उसे अब जानबूझकर लांघा जा रहा है कॉमेडी के नाम पर, लोगों को हंसाने के नाम पर? हंसी मजाक अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब बात राष्ट्र के सम्मान की हो तो कॉमेडियंस को सोचना होगा वो क्या बोल रहे हैं और किस प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं और किस संदर्भ में बोल रहे हैं। पहली बात तो ये है कि कॉमेडियन का काम ये है ही नहीं। अगर आप शुरू से इस चीज में से जुड़े हो या इस विषय से जुड़े हो, लोग आपको इस गंभीरता से लेते हैं, तब तो आप इस बात को कीजिए। पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेन करेंगे तो आपको पुलिस वाले गंभीरता से लेंगे या पुलिस वाले को हम गंभीरता से लेंगे, लेकिन बाकी रोड में कोई अगर कानून झाड़ने की कोशिश करेगा या कानून तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम उनको गंभीरता से नहीं लेंगे, बल्कि उनको अपराधी मानेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने वहां पर समझ लीजिए कि रैप की महफिल में भजन गाने की कोशिश की है, ठीक है, ओके, जो आपको सूट भी नहीं करता और आप वैसे है वो भी नहीं, ठीक है। आपका प्रीवियस अगर हम ट्विटर अकाउंट उठाकर देख ले या आपके प्रोग्राम उठाकर देख ले तो आप खुद औरतों के सामने, लड़कियों के सामने, 19-20 साल के जो बेचारे 18 साल के 17 साल के नाबालिग बच्चे सामने बैठे होते कॉलेज गोइंग, उनके सामने आप कौन सी भाषा इस्तेमाल करते यूट्यूब पर, और आपके साथ सारे यूट्यूबर सो कॉल्ड यूट्यूबर्स क्या क्या भाषा इस्तेमाल करते, वो अब किसी से छुपा नहीं है, सब पता है। जब आप खुद किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, महिलाओं की नहीं करते हो, और इस तरह से ना देश के पीढ़ी को आपकी पड़ी है, पीढ़ी की पड़ी है आपको, ना युवाओं को, जो आप जिस तरह की भाषा बात करते हैं, तो जो हमारे देश के युवा है जो आने वाले समय की हमारे बागडोर संभालेंगे उनको, आप तो खुद समाज के दुश्मन है, आप खुद समाज के साथ में काइंड ऑफ जैसा आपने शब्द इस्तेमाल किया कि रात में जो महिलाओं के साथ में, तो वो तो खुद ही आप कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये कहने का ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है हुआ कि भैया चलो मंच पर ज्यादा होशियारी करते हैं, किसी ने कविता लिख के दी होगी कि भैया वीर भाई ये बोल दीजिए बड़ा मजा आएगा आपको, ठीक है, तो चलो हाईलाइट होने के चक्कर में तालियां बजवाने के लिए, लेकिन एक सीमा का भी तो ख्याल रखना चाहिए। सुनील पाल जी, ऐसे में आपको क्या लगता है, वीरदास पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? बहुत अच्छा प्यारा इंसान है, कलाकार भी अच्छा है, अर्बन टाइप की कॉमेडी जो आज दिन ब दिन और गंदी होती जा रही है और गालियों वाली होती जा रही है उसको इंट्रोड्यूस करने वाली यही सब है, यही लोग हैं। लेकिन ये बंदा इतना बुरा नहीं है, मुझे इसके साथ में थोड़ा अनुभव है, डिसेंट बंदा ये, इसको किसी ने या सब शायद कि इसने ऐसी होशियारी करने के चक्कर में तालियां बानी। ठीक है सुनील जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने अपनी बात रखी, और भी खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। राहुल लाल जी हमारे साथ मौजूद है। राहुल लाल जी, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? वीरदास ने जो बात कही, जो बयान दिया, जो कविता पेश की, अमेरिका के वॉशिंगटन में उन्होंने ये कविता पढ़ी, ऐसे में क्या ये जानबूझकर की गई हरकत थी? क्या जानबूझकर अभिव्यक्ति की आजादी का फायदा उठाते हुए उन्होंने ये कविता पेश कर डाली तालियां बजवाने के लिए? देखिए, अगर मैं उसको दो रूप में देख रहा हूँ, बिल्कुल उनकी जो पंक्तियां हैं उसको मैंने बहुत सावधानी से सुना भी है और मैंने उसको पढ़ा भी है उन पंक्तियों को, वो पहले क्या परफॉर्मेंस करते रहे, आगे क्या परफॉर्मेंस करेंगे वो मुझे नहीं पता जी। लेकिन जो उन्होंने अभी तक बोला है ये है, देखिए ये है मेरे सामने में भारत के संविधान की पुस्तक। हाँ। कहीं भी किसी भी रूप में इन्होंने भारतीय संविधान का किसी भी रूप में उल्लंघन नहीं किया है। सब विदेश में भारत की शिकायत करने की परंपरा अगर किसी ने स्थापित की है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित की है। वो जब विदेश जाते थे और एनआरआई को संबोधित करते थे तो वो कोसते थे कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को कोसने में केवल भारत में उनका मन नहीं भरता था, वो वहां जाके करते थे कि देखिए जी अब तो गैस सिलेंडर आसानी से मिल जाता है, उस जमाने में ये होता था, पहले महिला सुरक्षा की ये स्थिति थी, अब महिला सुरक्षा की ये स्थिति हो गई है। तो मैं अगर वो आप फेरिस्त देखेंगे तो वो प्रधानमंत्री जी ने किया, उनके किसी भी बयान में
कौन सा बयान है उनकी पहली पंक्ति में ही देखिए, वो दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में लोग जो है कि छोटे बच्चे बुजुर्ग जिस तरह से प्रदूषण में छटपटा रहे हैं, अगर वो इसके ऊपर वो अगर टिप्पणी कर रहे हैं कि भाई लोग कैसे आसमान में तारे देखें, कैसे क्या चीज देखें, तो क्या गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन उन पर देश की महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगा है सर, महिलाओं को दुर्गा की तरह। आपने वो लाइन तो पढ़ी होगी ना, दिन में महिलाओं को पूछते हैं। लेकिन मैंने पढ़ी है वो लाइन है, तो आप देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ और बड़े घटना का उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ हमें ध्यान में है उत्तर प्रदेश की ही घटना मैं बता दे रहा हूँ कि हाथरस का घटनाक्रम हम लोगों ने देखा था वहां पे किस तरह से भारत में स्थितियां क्या है कि पहले तो गैंगरेप भी हो जाए उसके बाद उसका मर्डर हो जाए, आरोपी भी उसके भाई को ही बनाने का प्रयास कीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस जो कड़ी घट बना रही थी उसमें तो उसके भाइयों को ही आरोपी बनाया जा रहा था कि एक तरह से ऑनर किलिंग का मामला बता रहे थे जबकि सीबीआई ने सही जांच किया इसको। तो देखिए और देर रात के अंधेरे में शिल्पा जी कौन जो है कि हिंदू धर्म को तार तार कर रहा था, कौन जो है कि डीजल पेट्रोल से लाश को जला रहा था, तो ऐसा नहीं है। एनसीआरबी का आंकड़ा देखिए एक्रॉस, देखिए मैं यहाँ पे दलीय आधार पर भी नहीं कहूंगा, आप एक्रॉस। लेकिन क्या एक अंतर्राष्ट्रीय मंच सही जगह है इन मुद्दों पर बात करने के लिए सर, जहाँ पर राष्ट्र के सम्मान की बात आती हो क्या वहां पर ये तमाम मुद्दे उठाना आवश्यक था? शिल्पा जी देखिए इस पॉइंट पे मैं आपसे एग्री करता हूँ कि विदेश में नहीं उठाना चाहिए। लेकिन विदेश में देश की शिकायत करने की परंपरा अगर किसी ने स्थापित की है तो वह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित की है। मोदी जी करते हैं विदेश में जाके, अब बताइए जब प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो उनसे प्रेरित होकर इन्होंने भी कर लिया होगा, क्योंकि देखिए सुनील पाल जी ने बोला कि वो ऐसे स्वभाव के नहीं है, ताली बजवाने के कर लिए, उन्होंने देखा होगा कि प्रधानमंत्री भी शिकायत कर देते हैं कांग्रेस के कार्यकाल का बड़ी ताली बज जाती है, थोड़ा ताली हम भी बजवा लें। लेकिन जो फैक्चुअली बातें हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। हाँ मंच क्या होना चाहिए, कहाँ होना लेकिन चाहिए, भाई राजनीति अपनी जगह, कॉमेडी अपनी जगह, और जब बात हो राष्ट्र के सम्मान की तो उससे ऊपर तो मुझे लगता है कुछ नहीं हो सकता है। प्रोफेसर विवेक सिंह आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई में आजादी जो अभिव्यक्ति की होती है उसका जानबूझकर यहाँ पर कॉमेडियन वीरदास की तरफ से फायदा उठाया गया और उस अभिव्यक्ति की आजादी के तहत कुछ ऐसा कहते गए कि सीमा ही लांघ गए? देखिए शिल्पा जी, मैंने जो है सुनील पॉल जी की भी बात सुनी जी, मैं तो उनका प्रशंसक हूँ, मैं उनके वीडियोस देखता रहता हूँ, एक स्वस्थ कॉमेडी करते हैं। और देखिए मैंने राहुल दाल जी की भी बात सुनी। देखिए यहाँ के कांग्रेस के बीजेपी के राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है, यहाँ जो प्रश्न है वो देश से जुड़ा हुआ है और देश से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है उसमें हमें जरा गंभीरता दिखानी चाहिए। देखिए अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जिस तरीके से लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से अभिव्यक्ति के नाम पर लोग कुछ भी कर रहे हैं, जिस तरीके से देश का विरोध कर रहे हैं, जिस तरीके से देश की बदनामी कर रहे हैं, जिस तरीके साबित कर दूंगा कैसे देश के उन्होंने बर्बादी किया और कैसे देश के उन्होंने अपमान किया है और कैसे भारतीय संस्कृति और सभ्यता के उन्होंने अपमान किया है। देखिए सबके कल्याण की बात करते हैं, यहाँ पे है हम जस नारस्त पूजनते रमनते तत्र देवता की बात की जाती है। यहाँ पे अगर हिंदू सभ्यता में, हिंदू धर्म में, भारतीय संस्कृति में हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, उनको हम देवी मानते हैं, तो क्या दिक्कत है? और आप बाहर जाके उस मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं और कर रहे हैं कि यहाँ पे महिलाओं का जो सम्मान, आपने एक सेकंड, आपने पूरे देखिए राहुल जी, राहुल जी वन बाय वन प्लीज सर, तभी तो सबकी बात सामने आ पाएगी। अगर हम दोनों बोलेंगे तो बात नहीं जाएगी। मैं आपसे देश बोलूंगा, देखिए इसमें क्लियरली बताया गया है देश को राहुल जी आप सुनिए, आपने देश को बलात्कारियों और चरित्रहीनों का देश बता दिया है और इससे ज्यादा आपने देश के संस्कृति पर हमला किया है, आपने पत्रकारिता पर हमला किया है, आपने देखो आपने यहाँ पे एक सौ आपने अभी ठीक है ठीक है सर, मैं सबसे एक बार ओपनिंग रिमार्क ले लेकर डिबेट करते हैं, उसके बाद आपको जो क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी होगी आप कर सकते हैं। राहुल जी, विवेक जी, दोनों से दरख्वास्त है सर, और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है? शिल्पा जी केवल 15 सेकंड अपनी बात पूरी की, शिल्पा जी केवल 15 सेकंड बस 15 सेकंड।
अभी मैं राहुल लाल की बात करता हूँ, राहुल लाल जी ने एक बात बोला है, उन्होंने बोला है कि जो है तारों को देखना, तो भारतीय ग्रामीण संस्कृति में गांव से आता हूँ, वहां पे लोग तारों को देखते हैं। आपने 140 करोड़ जो भारतीय जो ग्रामीण संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, जो रात में तारे देखते हैं, आपने उन सबका अपमान किया है, आपने कहीं ना कहीं ग्रामीण संस्कृति का अपमान किया है। आप क्या बात कर रहे हैं, लोग गाँव में तारे देखते हैं और आज भी देखते हैं और गर्व से देखते हैं, आपने पूरी ग्रामीण संस्कृति का अपमान किया है, आप क्या बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप दोनों के पास लौटूंगी। विजय कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता है। विजय जी, कांग्रेस हालांकि दो धड़ों में बटी हुई से नजर आ रही है, कपिल छोर कह रहे हैं इसके समर्थन में उतर आए हैं, अभिषेक मनु सिंघवी कुछ और कहते नजर आए हैं। जरा बताए कांग्रेस किस तरह से इस विवादित कविता को देख रही है, इस मामले को देख रही है। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, देश के स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करती, इसलिए हमें इस बात से आपत्ति है कि वीरदास ने जो विदेश में जाकर भारतीय संस्कृति के ऊपर हमला किया है। जी, भारतीय संस्कृति के ऊपर हमला इस तरीके से है, जिस तरह से उन्होंने अपनी कविता कहा है कि यहाँ दिन में महिलाओं को पूजा जाता है और रात में उनका गैंगरेप होता है, तो इसका मैसेज ये जाता है कि जो लोग महिलाओं को पूजते हैं वही लोग इस काम को गलत काम करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि दो भारत, अरे भाई भारत तो एक है, जो दो भारत की कल्पना भी करेगा ऐसे लोगों को जेलों में डाल देना चाहिए, और जो हमारे यहाँ की जो कमियां हैं उन्हें वीरदास को कोई अधिकार नहीं है कि वो विदेशों में जाकर अपने मनोरंजन के लिए, अपने आर्थिक फायदे के लिए, मनोरंजन के लिए उन चीजों को वहां पर प्रस्तुत करें। बिल्कुल, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत से लोग भारत में आकर यहाँ गरीब लोगों की फोटो खींचकर वहां जाकर दिखाते थे और भारत का मजाक उड़ाते थे। तो आज देश आजाद है, आज कम से कम हमारे ही देशवासी द्वारा अमेरिका में जाकर इस तरह की बात बहुत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और भारत सरकार से निवेदन करती है कि मोदी जी, चलिए आप देश की गरिमा को साइड में रखते हुए कई बार विदेशों में जाकर कांग्रेस की बेइज्जती करते हैं, वो कांग्रेस की बेइज्जती नहीं होती, देश की बेइज्जती होती है, क्योंकि उसके माध्यम से आप गरीब के रोना रोते हैं और दूसरी समस्याएं रोते हैं। लेकिन इस तरह के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए आपको कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, भाजपा सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जवाब दीजिए अश्विनी शाही जी। और कहना चाहूंगा शिल्पा जी, जी बोली बोली, कि भारत इतना कोई कमजोर, बिल्कुल शॉर्ट में कह रहा हूँ, भारत कोई इतना कमजोर मुल्क नहीं है कि कोई गरीब दास, अमीर दास, वीर दास आकर कुछ भी कहे और उसे हम बर्दाश्त करते रहेंगे। इतनी आसानी से हिंदुस्तान की छवि धूमिल नहीं होने वाली। चले ठीक है, लेकिन कम से कम अपने शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखना होगा, कॉमेडियन है तो उसका लिहाज भी करना होगा, कम से कम देश के सम्मान को ठेस न पहुंचने पर। अश्विनी शाही जी, क्या कार्रवाई होगी सर? शिल्पा जी देखिए, अरे राहुल जी निवेदन है कि थोड़ा शांत रह के धैर्य से सुने, जनता को जाने दें, क्योंकि एक राहुल गांधी है और एक राहुल लाल है, ये देश की इनको कहीं बेइज्जती दिखती ही नहीं है, क्या मतलब है भाई? आप बीच में राहुल जी कृपया सुने, लोगों को बोलने दें, राहुल जी ऐसे नहीं होता है, आप बोले तो धैर्य से सुने। आप ठीक है अश्विनी जी, प्लीज कम ऑन द टॉपिक। नहीं, मैं निवेदन कर रहा था कि आप मत बोलिए बीच में, अभी आप विवेक जी के बीच में बोले, उनको बोलने नहीं दिया आपने। देखिए शिल्पा जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी ये घटना हुई है जी, अभी सुनील पॉल जी ने उसको बहुत बढ़िया तरीके से कहा है। हाँ। लेकिन अंत में चूंकि वो हिंदुस्तान के हैं और कॉमेडियन सुनील जी भी हैं, वो भी हैं, उनके चरित्र को, उनके स्वभाव को जानते होंगे, तो कोशिश किया है इन्होंने कि उनको भाई उनका बताएं। लेकिन सुनील जी से मैं कहना चाहूंगा, सुनील जी आप लोग कॉमेडी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम लोग सलूट करते हैं, क्योंकि रोते हुए को हंसाते हैं आप लोग, बिल्कुल। लेकिन देश को, देश की अस्मिता को इस तरीके से नंगा, वो भी विदेशों में करना, उस अमेरिका के सामने करना, अभी देखिए मैं दो तीन उदाहरण देता हूं, जो जिस तरीके के बलात्कार की बात की उन्होंने, अमेरिका का रेशियो देख लीजिए और हिंदुस्तान का रेशियो देख लीजिए क्या है, उनको वहां ये काम नहीं करना चाहिए। 9000 AQI कौन से प्रदेश में है, कौन से शहर में आपके हिंदुस्तान के है, जरा देखिए
उन्होंने 9000 QI की बात 500 से ऊपर थोड़ा सा बढ़ा था तो सुप्रीम कोर्ट ने नकेल डाल दिया केजरीवाल जी के ऊपर। पिछले सब साल का भी आंकड़ा देख लीजिए, बीच में सिर्फ ये भी तो चला रहा है। गुड़गांव में रह चुका है। अरे राहुल जी फिर आप कैसे कर रहे हैं? कृपा जी का डिबेट नहीं चाहते हैं क्या? राहुल जी प्लीज, राहुल जी आ रही हूँ आपके पास। नहीं नहीं राहुल जी, अगर कुछ गलत तथ्य पेश कर रहे हैं, कुछ गलत कह रहे हैं, आपको आपत्ति है, ठीक है सर, अपनी बारी में बोलिएगा ना प्लीज, ऐसे समय जाया होता है। शर्म आनी चाहिए राहुल लाल जी आपको, आप राजनीतिक विश्लेषक बनते हैं, शर्म आनी चाहिए, जाके कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए, कांग्रेस की प्रवक्ता बनकर कीजिए। एक दूसरे के साथ बचने की बजाय आज बेहद संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा हो रही है, देश के सम्मान की यहाँ पर बात हो रही है, कम से कम इस बात का तो लिहाज कीजिए, ठीक है। सुनील पाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, एक बार फिर से उनका रुख करते हुए, सुनील जी जब इस तरह से विवाद उत्पन्न हो जाता है तो आप भी एक कॉमेडियन हैं, मैं समझना चाहूंगी आपसे कि किस हद तक आप लोग दबाव महसूस करते हैं कि कहीं भी कुछ भी कहने से पहले, पेश करने से पहले, कुछ भी लिखने या बोलने से पहले 50 बार 100 दफा सोचने के लिए मजबूर होना पड़े कि कहीं मैंने ऐसा बोल दिया तो कहीं ये ना हो जाए, कहीं लोग ना भड़क जाए, कहीं बहुत बड़ा विवाद ना उत्पन्न हो जाए, तो कितना दबाव होता है? पहली बात तो यह है कि ये कला का विषय है, जब आदमी कलाकार होता है तो उसको अपनी बात रखने की कला आनी चाहिए। हाँ। आप जब स्टेज पे जाते हैं तो आपके पास तन मन धन, आप एकदम अच्छे विचारों से जाना चाहिए, स्टेज की पूजा करके जाना चाहिए, दर्शकों को अपना परिवार समझना चाहिए, दिल दिमाग आंखें आवाज नेचर नियत और कंटेंट साफ रख के जाना चाहिए, और उसके बाद आप व्यंग कीजिए, हास्य कीजिए, जो भी विषय बोलना चाहते हैं, लेकिन उसमें एक शुगर कोटेड मामला होना चाहिए, लोगों तक आपकी बात भी पहुंच जाए और लोगों को सोचने पर मजबूर भी हो जाए लोग, और वो आपकी वाहवाही भी हो कि भाई सही बात की यार, कि जो जो परसाई जी करते थे, जो शरद जोशी जी करते थे जी। जो और भी व्यंग्यकार हमारे करते थे, तो उनको तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, और हमारे भी सीनियर 50 साल से 100 साल से कर रहे हैं, मैं भी अभी 20-25 साल से कर रहा हूँ, और भी लोग करते जो कभी आए दिन करते रहते, आज भी करते रहते, कभी कुछ कभी तो डायरेक्ट मोदी जी का नाम लेकर करते हैं, डायरेक्ट फला का नाम लेकर करते हैं कि भाई ये ऐसे है ये वैसे है, किसी के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आपकी नियत पकड़ी जाती है कि आप स्टेज पे तो कुछ बोल रहे हो लेकिन अंदर से आप वैसे नहीं हो, आप अंदर से आपके YouTube चैनल पे देखता हूँ मैं, या आपके ट्विटर हैंडल पे देखता हूँ, आप पता नहीं कितनी गंदी और किस लेवल की नीची बात करते हो, आपको हिंदी बोलने में शर्म आती है, आपको हिंदुस्तानी बुलवाने में शर्म आती है, आपको आपके परफॉर्मेंस में आप हमेशा अपने आप को अर्बन रखते हो, अपने आप को विदेशी रखते हो, अपने आप को NRI रखते हो, NRI होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको हिंदुस्तान से प्यार तो कहीं वैसे तो दिखता नहीं है नेचुरल जीवन में, ठीक है ओके, लेकिन चूंकि अब आपको तालियां चाहिए पब्लिक के सामने, आप NRI पब्लिक जो होती है वो भारत की पब्लिक होती है, जो भारत से बाहर जाके कमाने के लिए बैठती है और रहती है, लेकिन उनको भारत से प्यार होता है, तो भारत के प्रति उनका एक थोड़ा सा नाराजगी जो होती है वो हमेशा बनती रहती है, तो अगर कोई कलाकार या कोई इंसान उसको आग दे देता है तो वाताली तो बचती जा सकता है, जिस देश ने उन्हें इतना नाम दिया, इतना प्यार दिया, यहाँ लोग उन्हें जबरदस्त संख्या में फॉलो करते हैं जी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं हमेशा ये चीज को याद रखना चाहिए कि जहां से आपको नाम मिला, जहां से आपको सम्मान मिला, आपको जहां से सम्मान मिला आप उसको अपमान दोगे तो ये तो गिव एंड टेक नहीं, तो गद्दारी होगी, तो खुलेआम बेईमानी होगी ना, इज्जत आपको मिली है और आप उसको इंसल्ट कर रहे हो। मैं समझता हूँ कि ये वीरदास की तरफ से बहुत बड़ी गलती हुई है जी। वो उसको पहली बात तो वो वैसा कलाकार है नहीं वीरदास कि इतने ज्ञान की बात करे और इतना उसको सीरियस, एक कॉमेडियन हो तुम इतना सीरियस बातें कर क्यों रहे हो वहां पर? अगर सीरियस, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक आम, लेकिन उसका मंच अलग है, उसका प्लेटफॉर्म अलग है, उसकी जगह अलग है, ठीक है, वो उसकी शिकायत करो, आप उसकी बात करो, उसके लिए मोर्चा करो, उसके धरने करो, अन्ना जी ने किया, अन्ना जी सबने किया, बिल्कुल, और इस बात को लेकर मैं लेकिन स्टेज पर जहां लोग तारीफ भी करना चाहूंगी, आपने शानदार तरीके से यहां पर अपनी बात को रखा है, लोगों को समझाने का काम किया। चलिए ठीक है, फिलहाल मेरी यहां पर मजबूरी है, मुझे यहां रुकना होगा। राहुल लाल जी आप ही के पास आऊंगी और समझना चाहूंगी आपसे, आखिरकार वीरदास की इन बातों को जस्टिफाई कोई कैसे कर सकता है? ठीक है, सामाजिक आपराधिक मुद्दे अपनी जगह है, किस देश में नहीं होते, लेकिन इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन मुद्दों को उठाते हुए देश की छवि को धूमिल करना कैसे कोई जस्टिफाई कर सकता है? सबसे पहले मैंने बोला कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वो ना बोलता तो अच्छा होता, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये पद्धति, ये चीजें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी,
और ये चीज करना कि नहीं, वो तो कॉमेडियन है, वो गंभीर बात क्यों कर रहा है? कॉमेडियन को भी गंभीर के भी वो कह सकता है। मैं उनके केवल आपको जो भी आपत्ति है आप अपने समय में दर्ज कर पाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलिए बीच में, आप बोलिए, आप बीच में बोलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके एक एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूं। आपने हमको बोलने दिया क्या? मैं आपके तरह आपने हमको बोलने दिया? क्यों राजनीति ले जा रहे हैं? बिल्कुल बोलने जा रहे हैं। एमएफ हुसैन को राज्यसभा का सदस्य किसने बनाया? नरसिम्हा राव जी ने बनाया। आपके कहने का मतलब है कि पीएम मोदी ने किया तो हर कोई करेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? राहुल लाल जी, बात यहाँ पर राष्ट्र के सम्मान की है सर, ठीक है। अश्विनी शाही जवाब दीजिए, बहुत गंभीर आरोप भाई, पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी तो हर कोई अब उनके पद चिन्हों पर चलता भाई, ये आरोप लगा रहे हैं राहुल लाल जी, क्या है जवाब आपका? शुरुआत तो शिल्पा जी, शुरुआत आज से नहीं हुई है, शुरुआत एमएफ हुसैन ने रेप ऑफ इंडिया पेंटिंग बनाई 9/11 के बाद, और उसके बाद उनको पद्म विभूषण देने का काम कांग्रेस ने किया था। क्यों किया था बताइए जरा हमको, क्यों किया रेप ऑफ इंडिया? आप लिखे उसका नाम देखिए, रेप ऑफ इंडिया, भारत माता की अस्मिता को बेचने वाले राहुल लाल जी जैसे समर्थक, ये लोग जो है देश के देशद्रोही हैं, ये लोग राहुल लाल जी बैठे हैं देशद्रोही का समर्थन करने। आप अगर देश के आंकड़े, आपको अगर नहीं, राहुल लाल जी आपने गलत कहा, आपने उसका समर्थन करते हुए अभी पहले आपने कहा, आप देख लीजिएगा, आपने कहा राहुल लाल जी कि उसकी उसने कोई ऐसी चीज नहीं कही जिससे देश का अस्मिता पर होता हो, आपने कहा है ये बात, रिकॉर्डेड है, आपने कहा है, और ये राजनीति बात नहीं है, राजनीति बात हम लोग रोज कर लेंगे, लेकिन ये देश देखिए कोई भी देश के सम्मान से जुड़ी हुई बात है सर, प्लीज कम से कम इसमें इस तरह से ब्लेम गेम पर मत जाइए, कोई कंक्लूजन निकलेगा, कोई निष्कर्ष निकलेगा तो वो ज्यादा बेहतर होगा, भी बोल दे भारत माता की अस्मिता से खिलवाड़ करेगा, अगर वो कॉमेडियन है तो हर जगह अभी सुनील पॉल जी ने कहा था इस चीज को, अच्छी चीज है, लेकिन ये बात गले नहीं उतरती ना राहुल लाल जी की, अगर व्यक्ति ने गलती की तो बाकी तमाम लोगों को इस बात की छूट मिल जाएगी कि वो भी उसी चिन्ह पर चले, ठीक है। प्रोफेसर विवेक सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं जी, प्रोफेसर। देखिए शिल्पा जी, एक देश का कपूत है जिसने विदेशी धरती पर जाके देश का अपमान किया है। देखिए ये जो है सुनील पॉल जैसे देशी कलाकार नहीं है, ये लोग देश विरोधी हैं जो कि षड्यंत्र के तहत देश की। देखिए इन्होंने कहा देखा कि जो देवी कहने वाले जो लोग हैं वो जाके गैंग रेप करते हैं, अरे महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा कौन सा देश जहाँ पे महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं होता है? देखिए इन्होंने बोला कि मीडिया जो हमारे देश का जो चौथा पिलर है उसको बोला खत्म हो गया है, खत्म हो गई है, मुझे सैनिक बिल्कुल हो गई है। नहीं, बात इस चीज की नहीं है कि आवाज नहीं उठानी चाहिए, लेकिन एक तरीका होता है, शब्दों की मर्यादा होती है भाई, जैसे हम भाषा में कहते हैं बोलता हर कोई व्यक्ति है, लेकिन एक मर्यादा के साथ, मर्यादित शब्दों के साथ अगर अपनी बात को रखा जाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है। इस चीज को अवॉइड किया जा सकता था तो क्यों नहीं किया गया? अभिव्यक्ति की आजादी को टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों ले लिया गया? आज का मुद्दा ये है। प्रोफेसर विवेक प्लीज कंप्लीट योर सर। शिल्पा जी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, मैं 15 सेकंड और लूंगा। देखिए देखिए सैनिकों के खिलाफ अत्याचार कहाँ हो रहा है, देश के किसानों के खिलाफ अत्याचार कहाँ हो रहा है, और देखिए इन्होंने कहा कि जो हमारे देश के नौजवान है जो 30 साल से कम की उम्र के लोग हैं उनकी उनके नीचे उनके जो है सोच ही मॉडल नहीं है, कहीं ना कहीं आपने उनकी सोच को पुराना कहा, आप देश के जो नौजवान है उनकी सोच को आप पुराना कर रहे हैं, इसके खिलाफ सिर्फ आप देश के नौजवानों का आप अपमान कर रहे हैं, हमारे नौजवान जो है मॉडर्न थिंकिंग के है, आप उनको निजी सोच का, आप उनको जो है पुरानी सोच का बता रहे हैं, और देखिए यह व्यक्ति जो है अपने पराजय के खिलाफ जो है टिप्पणी करने की कोशिश किया गया तो ऐसा व्यक्ति है जो देश के अंदर है और देश के
चले ठीक है, राहुल लाल जी का अपना मत है, प्रोफेसर विवेक सिंह का अपना मत है, सुनील पाल के पत्र से आपका रुख करते हुए इस व्यक्ति का जांच होना चाहिए। ठीक है सर, अब दोनों की बात हो गई है ना सर, पैनल पर और भी लोग हैं, उन्हें भी पूरा पूरा मौका मिलना चाहिए, उन्हें भी इक्वल टाइम मिलना चाहिए। सर आऊंगी, लौटूंगी आप दोनों के पास। सुनील पाल जी, वीरदास ने जो कहा, जिस पर ये पूरा विवाद हो रहा है, मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि किस हद तक आप लोग, आप कॉमेडियन है इसलिए बेहतर तरीके से आप समझ भी पाएंगे और बता भी पाएंगे, दबाव महसूस करते हैं, क्या ये कला का गला दबाने के समान माना जाए, या फिर अगर थोड़ी सी मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करके अपनी बात को रखा जाए तो देश की छवि भी धूमिल ना हो और मुद्दों को भी ज्वलंत तरीके से उठा लिया जाए, इसमें क्या आपत्ति है? जाने के लिए जी कलाकारों को हमेशा ये बताया गया कि आप नहा के जाओ, अच्छे कपड़े पहन के जाओ, अच्छा मेकअप करके जाओ, क्योंकि लाखों की हजारों की जनता आपको देख रही है, वो आपकी बातों से वो हंसेगी, आपकी बातों पे तालियां बजाएगी, आप अगर कोई ऐसी बात करोगे तो वो थोड़ा गंभीर भी हो जाएगी, वैसी भी हो जाएगी, वैसे ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। तब हमें ये सोचना पड़ता है कि कौन सी ऐसी मैं बात बोलूं कि इस वातावरण में, इस कॉमेडी के वातावरण में, कॉमेडी के साथ साथ अगर आपको कुछ थोड़ा सा हल्का सा कुछ प्रबोधन भी करना है तो ऐसा करें कि लोगों तक आपकी बात भी पहुंच जाए और मामला उस लेवल पे ऐसा ना हो जाए कि जिसमें दंगा फसाद हो जाए या जिसमें ऐसी कोई बात हो जाए कि मैंने जैसे समझो सामने एक पर्टिकुलर कोई एक धर्म जाति बैठी हुई है, मैं उसके अपोजिशन में कुछ बोल दूं या उसके सामने कुछ कुछ भी ऐसा बोलने का मतलब नहीं, उससे क्या हो जाएगा, वातावरण खराब हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कलाकारों को बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, पूरा हक है, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन वो मंच नहीं है वैसा, वो मंच कॉमेडी का है, वहां पर आपको कॉमेडी करना था, लोगों ने टिकट आपकी कॉमेडी के लिए खरीदा था, आपके दिमाग में क्या फितूर आया और क्या कॉमेडी करते करते रियलिस्टिक बनने के चक्कर में इस मुद्दे को छेड़कर उन्होंने अपने लिए लेने के देने वाली स्थिति उत्पन्न कर ली। तो क्या लगा कि क्या हुआ, किसने लिख कर दिया होगा उनको, ठीक है ओके कि ये अच्छा हुआ ऐसा बोल दीजिए, ऑडियंस ताली वाली बजाएगी, मजा आएगा। अच्छा उनको ये पता भी नहीं होगा कि ये ऐसा बोलने से ताली वाली बजाएगी, बात खत्म हो जाएगी, शो के शो में ही बात खत्म हो जाएगी, उनको नहीं पता था कि जो ना विनाश काले विपरीत बुद्धि बोलते ना, उनको नहीं पता था कि ये चीज, लेकिन पता होना चाहिए ना, सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, फ्यू सेकंड्स में वीडियो वायरल हो जाती है, एक बात मैं कहना चाहूंगा उनसे, जो वीर ने हमें यही सुनील जी यही सिखाया कि आपको मतलब ध्यान रखना, वीरदास ने जो कहा अगर सुनील जी यही बात अगर वीरदास ने ये कहा होता कि दिन में नमाज पढ़ते हैं और शाम को बलात्कार करते हैं तो अभी तक 100 फतवे जारी हो गए होते उनके खिलाफ, ये भी उनको सोचना चाहिए। हिंदुस्तान बहुत सहिष्णु देश है और उसके बाद भी इस तरीके की बातें लोग करते हैं, उनको सोचना चाहिए, पढ़े लिखे लोग कैसा व्यवहार करते पता है। राजस्थान के कॉमेडियन ने केवल एक पेट्रोल पंप से महंगाई के बारे में, डीजल पेट्रोल के वृद्धि के बारे में बोल दिया था, अब वहां के उस पेट्रोल पंप के मालिक को कितना परेशान किया आपके पेट्रोलियम मंत्रालय ने, शायद आपको पता नहीं है। तो आप तो हाथ व्यंग के संस्कृति पर आप तो कुछ बोलिए ही नहीं, आपने तो आजादी को कितना सीमित कर दिया है। बहुत बहुत नहीं नहीं जरा MF हुसैन पर भी बोल दीजिए ना राहुल लाल जी, MF हुसैन को पद्म विभूषण देते हैं आप लोग, रेप ऑफ इंडिया कार्टून बनाने के लिए नहीं बोल दीजिए, कुछ उस पर नहीं बोलेंगे। बीजेपी ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, इससे हम भी ऐसा कर सकते हैं या किसी को छूट मिल सकती है, इस बात पर गंभीरता से सोचना होगा। विजय कौशिक जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता है। विजय जी कम से कम जाति, ठीक है अश्विनी जी ने विरोध किया है, आपकी बात आ गई, हाँ कौशिक जी ने भी विरोध किया, मैं उसी पर आ रही हूँ कि राजनीतिक दलों को दलते इस मुद्दे पर विचार विमर्श करना चाहिए, और क्या लगता है आपको ऐसे कोई कानूनी अमलीजामा पहनाया जाना चाहिए, नियम कानून बनना चाहिए ताकि तमाम कलाकारों को उनके जहन में ये बात रहे, उन्हें कहां तक अपनी बात रखनी है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? विजय कौशिक जी आवाज मिल पा रही है?
लगता है विजय जी से हमारा संपर्क कट गया है, उनसे संपर्क साधने की करेंगे कोशिश। अश्विनी शाही, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आते हुए, क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरे देश में जो जो लोग इस विवादित कविता का विरोध कर रहे हैं वो मांग कर रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अन्य तमाम कलाकारों के जहन में भी ये बात रहे और उन्हें भी इस चीज का ख्याल हो कि जो कानूनी कार्रवाई वीरदास पर हुई उनके खिलाफ भी हो सकती है। आप इसको लेकर क्या कुछ कर रहे हैं? शिल्पा जी देखिए, अभी इनके खिलाफ जो है तहरीर दिया गया है, उसमें FIR भी होनी है और FIR भी होगी इनके खिलाफ और पक्की होगी। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के जो लोग ऐसे हैं, ठीक है वीरदास हो या सुनील जी हो, ये शो करते हैं, जनता को हंसाते हैं, लेकिन सबके पीछे एक छुपा होता है कि ये लोग पैसे पर जाते हैं। हर आदमी इनका अपना काम है, वो उसके बदले पैसे मिलते हैं, लोगों को हंसाते हैं। तो उसके लिए ये लोग भी सोचे कि अपने अंदर एक ऐसी भावना ले आए कि जो देश के प्रति हमको बोलते समय 100 बार सोचे और उस बात को हम न बोलें जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो। हम सिर्फ हंसाने के लिए हैं, उसके बदले में जनता हम राहुल जी आ रही हूं आपके पास, एक सेकंड सर। राहुल जी अब रखिए अपनी बात। मोदी विरोध करते करते देश विरोध में कितना गिर जाएंगे नीचे आप लोग? अरे गिरे हुए मत बनिए, इतने मत गिरिए, देश मत बेचिए, देश का सम्मान करना सीखिए। हिंदुस्तान है, भारत माता कहते हैं उसको। लेकिन राहुल जी, क्या आपको नहीं लगता अगर वीरदास के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लिया गया तो ऐसे तो कल को तमाम कलाकार इसी पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे? आज अमेरिका में बात रखी गई है, कल को किसी और देश में, किसी और स्तर पर, किसी और मंच पर ये बात रखी जाएगी। ऐसे में क्या राष्ट्र के सम्मान को बार बार ठेस पहुंचने दी जाएगी? राहुल लाल जी देखिए, उसमें राष्ट्र को सम्मान नहीं पहुंचा है, बल्कि वो एक देश के कमियों की तरफ ध्यान आकर्षण करा रहा है। देश के कमियों की तरफ अगर नीति निर्माताओं का ध्यान जाएगा तो कमियां दूर होंगी, पहली चीज। और अगर ये उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे तो आजकल भारतीय जनता पार्टी ने सरकारों को ऐसा ही जो है तो सुप्रीम कोर्ट से लगातार डांटे सुन ली पड़ी। आप जाके सवाल कर लोगे उनको सर्वोच्च न्यायालय से, क्या विचार है भाई आपके, कितने निम्न विचार हो गए भाई? पूरी तरह से संविधान के दायरे में अपने घर की कमी को, अपनी मां की कमी को, अपनी बहन की कमी को जाकर आप सड़कों पर उछा लेंगे। 19-2 का जो अपवाद है आप सड़कों पर उछा लेंगे अगर आपकी नीयत यही है? कहीं से भी कोई अड़चन नहीं है अश्विनी जी? अरे आपको तो गुस्सा लगेगा ना, उन्होंने उठा दिया ना पीएम केयर्स फंड का बात, उन्होंने उठा दिया कि आपके गृह राज्य मंत्री ने किसानों को कुचला था। आपको क्रोध आना स्वाभाविक है, आपका स्वाभाविक क्रोध है, आपके क्रोध का भी मैं सम्मान करता हूँ अश्विनी जी, लेकिन आपको उस कॉमेडियन की प्रशंसा करनी चाहिए जिन्होंने हिंदुस्तान में रहकर पूछे हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पीएम केयर फंड हिंदुस्तान में है, अमेरिका हिसाब नहीं देगा, हिंदुस्तान में पूछे। आप पूछ लीजिए, आपको भी मिलेगा, ठीक है ना, आपको भी मिलेगा जवाब, आप पूछिए। लेकिन सिर्फ एक मुद्दे पर उन्होंने बखिया नहीं उधेड़ी ना राहुल लाल जी, समस्या ये है देश की महिलाओं का भी अपमान करने का उन पर आरोप लग रहा है। ठीक है, आऊंगी आपके पास। प्रोफेसर विवेक सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है अश्विनी जी, प्लीज दूसरों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए सर। बार बार कह रहा हूँ, इसने बदनामी देश के किया है और इसकी जांच होनी चाहिए किसके इशारे पर इसने जाके ऐसा बयान दिया है। देखिए, ये जहां तक मुझे लगता है जाहिर बात एक षड्यंत्र है देश के खिलाफ और इसने उसमें सहभागी है और किसी न किसी इशारे पर इसने काम किया है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। राहुल गांधी बोल रहे मुझे लगता है इससे देश की कौन सी कमी जाहिर की है, इसमें देश की कौन सी कमी जाहिर की है? कुचला गया है। ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, सभी लोगों से जल्दी जल्दी फाइनल कमेंट में चाहूंगी सर। ठीक है राहुल लाल जी, सबसे पहले आप भी के पास आते हुए सर, दूसरों के बीच में मत बोलिए सर, प्लीज, दिस इज योर टाइम नाउ। अब आप बताइए, फाइनल कमेंट में आपसे चाहती हूं, क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि भाई देश के, राष्ट्र के सम्मान के साथ तो कतई समझौता हो नहीं सकता, तो क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता, किन किन चीजों का इन कलाकारों को ध्यान रखना होगा हर हाल में, चाहे वो मंच कहीं भी हो, राष्ट्र में हो या राष्ट्र के बाहर किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मैं यही कहूंगा कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो वीरदास हो, देश के समस्याओं के बारे में, चूंकि समस्याओं का समाधान देश में होना है, विदेश में नहीं होना। Exactly. तो इसलिए सबों को देश की समस्याओं के बारे में देश के प्लेटफॉर्म का प्रयोग करना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। लेकिन हाँ,
अगर आप चाह रहे थे कोई कानूनी कार्रवाई हो जाए तो उन्होंने जो भी बयान दिया है ये राहुल गांधी का भारतीय संविधान के दायरे में भी आ रहा है। कहीं से कुछ भी उसमें एक भी कोई समस्या वाली चीज नहीं है। हाँ, सत्तारूढ़ पार्टी को खराब लग रहा है क्योंकि उसमें सत्तारूढ़ पार्टी की काफी कठोर आलोचना की गई तो उनको बुरा लगना स्वाभाविक बात है। ठीक है प्रोफेसर विवेक सिंह, आपका फाइनल कमेंट। ठीक है राहुल जी, राहुल जी मुझे फाइनल कमेंट लेने दीजिए। प्रोफेसर विवेक, इनकी जांच होनी चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। ऐसे जो दार हैं जो देश के में देश की बदनामी कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं और इनके खिलाफ धारा के अंतर्गत इनके खिलाफ कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। ठीक है सुनील पाल जी, आपके पास आते हुए फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगी। जाते जाते आप तमाम कलाकारों क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आप मुद्दों को उठाना चाहते हैं उठाइए, अभिव्यक्ति की आपको पूरी आजादी है, देश का संविधान आपको अधिकार देता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्र के सम्मान का ख्याल रखना भी तो आप ही की जिम्मेदारी है। ऐसे में फाइनल कमेंट में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि हम जिस देश के वासी है, जैसे मनोज कुमार साहब जिंदगी भर अपनी फिल्में बनाते थे और फिल्मों में भारत की प्रॉब्लम भी बताते थे और प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजने की कोशिश करते थे और भारत का गुणगान भी करते थे, इसीलिए उनकी फिल्में हमेशा हिट होती थी और हर तबके को पसंद आती थी। आपको जो भी बोलना है भारत में बोलिए, भारत के प्लेटफॉर्म पर बोलिए, अच्छे से बोलिए, खुल के बोलिए, क्योंकि आप हक है बोलने का। लेकिन बाहर जाके किसी ने लिख कर दे दिया और खामोखा तालियों के लिए और किसी के लिए आप, और पहली बात तो आप अपने अंदर सुधार लाइए, पहली बात तो आप अपना बैकग्राउंड ऐसा बनाइए, जैसे मैंने आज तक स्टेज पर कभी कोई वल्गर, कोई गंदी बात, कोई फॉल लैंग्वेज, कोई गाली गलौज, कोई ऐसी चीज नहीं की। तो मैं आज हाथ जोड़ के निवेदन कर सकता हूँ लोगों की, भाई आप लोग भी मत कीजिए। जब आप खुद ही ऐसे नहीं हो और लोगों को सिखाने की कोशिश करोगे तो ये आप पे आरोप लगेगा कि ये व्यावसायिक दृष्टिकोण है और आपने सिर्फ अपने अपना धंधा चमकाने के लिए अपने गिरेबान में जाके उसके बाद दूसरों पर उंगलियां उठाने से पहले 50 बार सोचिए। ठीक है, जाते जाते अश्विनी शाही जी, आपका फाइनल कमेंट। कैसे आप इस तरह के मामलों को डील करेंगे, कैसे इन पर लगाम लगाई जा सकती है, क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता है? शिल्पा जी देखिए, सुनील जी ने बहुत बढ़िया बात कही, मैं इनकी बातों से सहमत हूं और आने वाले दिनों में अगर इस तरीके की परिपाटी बढ़ती रही तो सरकार को मजबूर होकर कोई कड़ा कानून लाना पड़ेगा जिसके लिए इन लोगों को उस आपराधिक धाराओं में सजा और मुकदमा का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उसके पहले जरूरत है अपने अंदर एक जज्बा जगाने का, जो देश प्रेम बाहर जाकर, हिंदुस्तान में हम भाई भाई हैं, लड़ लो कुछ भी कर लो, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर हिंदुस्तान की छवि को खराब न किया जाए, ये इनको सोचना पड़ेगा क्योंकि इनके साथ ऑडियंस जुड़ी हुई है, जनता इनके साथ जुड़ी हुई है, बड़ी संख्या में कलाकारों को ऑडियंस फॉलो करती है और जो ये लोग करेंगे वही फिर ऑडियंस भी सीखेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर कॉमेडी अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, सामाजिक और आपराधिक मुद्दे भी अपनी अपनी जगह है, लेकिन इस देश का सम्मान सबसे ऊपर है क्योंकि इसी राष्ट्र के सम्मान से हम हैं, हमारी पहचान है। कम से कम उसे तो गाली मत दीजिए, कम से कम उसके साथ तो किसी भी तरह का कोई समझौता मत होने दीजिए। यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे हम किसी भी पेशे में क्यों ना हो, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र भावना सर्वोपरि है। चलिए मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।